Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Ayush Mithi. इस वीडियो में हम important international organizations जो कि पिछले 6 महीने में न्यूज़ में रहे हैं उनका चौथा पार्ट लाने जा रहे हैं और पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उनको जाके देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। हालांकि PDF में जो कंटेंट होगा वो इस वीडियो का 10% होगा क्योंकि इसमें मैं आपको मेंस का पर्सपेक्टिव ही दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ हुई? अबू धाबी में हुई। इसकी थीम क्या थी? एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या है ये वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का ग्लोबल फ्लैगशिप इवेंट है। तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की इवेंट होती है और 24th थी, अबू धाबी में हुई है। थीम थी एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। एक यूनिट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स के लिए ताकि आगे आने वाले टाइम पे इनोवेशन देख सकें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर सकें, डिस्कशन कर सकें। हर 3 साल में होती है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का एक फ्लैगशिप इवेंट है, ठीक है। ये जो कांग्रेस है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये लॉन्गेस्ट रनिंग और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी इवेंट है दुनिया का। ये 24th हुआ था, इस बार अबू धाबी में हुआ था। एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी थीम थी इसकी, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, जिसके द्वारा वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल हुआ, जो ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसने अभी अबू धाबी में करवाया, ये क्या है? ये UN की एक्रेडिटेड ग्लोबल एनर्जी बॉडी, ये 1923 में आ गई थी। 3000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 90 कंट्रीज में लोकेटेड हैं। NGOs भी हैं, गवर्नमेंट्स भी है, प्राइवेट एंड स्टेट कॉरपोरेशंस भी, एकेडमिया भी है और एनर्जी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स भी हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल, रीजनल और नेशनल एनर्जी स्ट्रेटजीज इवेंट्स करवाता है इनके लिए, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आपको क्या याद रखना है कि ये जो है वियना में हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, आपकी जो 63 जनरल कॉन्फ्रेंस है इसकी, वो वियना में हुई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को एज अ, इसका नाम था पहले एटम्स फॉर पीस, तो ये एज अ एटम्स फॉर पीस नाम के ऑर्गेनाइजेशन से सेटअप हुआ था 1957। एटम्स फॉर पीस एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि बाद में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नहीं इसका नाम तो था यही, लेकिन इसको एज अ एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन नाम से बुलाते थे, ठीक है। 1957 में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि किसी भी UN के अंतर्गत किसी की भी स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ऑटोनोमस तरीके से काम करता है। और ये UN जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। है तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में। 63rd जनरल कॉन्फ्रेंस भी अभी हुई वियना में, 1957 में आया था। है तो ऑटोनोमस, लेकिन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये काम क्यों करता है? ये बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करता है ताकि सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से यूज हो सके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। अपने मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर ये काम करता है। 171 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। बोर्ड ऑफ गवर्नर की अगर मैं बात करूँ तो 22 मेंबर स्टेट्स इसके जो है, उनमें से जनरल कॉन्फ्रेंस में 22 मेंबर स्टेट सेलेक्ट होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। टोटल होते 22 मेंबर स्टेट्स हैं, हर साल 11 इलेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं। इस साल 11, अगले साल 11, 22, फिर अगले साल वो 11 रिटायर हो जाएंगे, तो फिर अगले साल 11 आ जाएंगे। तो दो दो साल के लिए यहाँ पे 22 मेंबर स्टेट्स होते हैं। बाकी 10 मेंबर स्टेट जो है नॉमिनेट किए जाते हैं ऑनगोइंग बोर्ड, जो बोर्ड के द्वारा, ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा ज़रूरी होगी। एक इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो है कि 171 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, एक साल में एक बार मिलती हैं और 1 वोट पर मेंबर होता है। इसके प्रोग्राम्स भी होते हैं कुछ, प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी पैक्ट, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और इनोवेशन, इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इनसे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो आपको ये याद रखना है।
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करते हैं। देखो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों था, पहली बात तो न्यूयॉर्क में हुआ, अच्छा न्यूयॉर्क में एक ब्लूमबर्ग की ग्लोबल बिजनेस फोरम में गए थे हमारे मोदी जी, तो इन्होंने बात की कि इंडिया की मेंबरशिप कितनी जो है ज़रूरी है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, इंडिया की मेंबरशिप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में होनी ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, 1974 में आया था ये इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पॉन्स में, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का जो कि कोशिश करती हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना हो और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी गलत तेज़ी से ना बढ़े। तो कैसे करती हैं, उनका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका एक्सपोर्ट में उसके मटेरियल्स का इक्विपमेंट का टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल करती है, जो कि ताकि जो है न्यूक्लियर वेपन्स का इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग जो है कंट्रोल की जा सके। कहने का मतलब क्या है कि मटेरियल्स का इक्विपमेंट का टेक्नोलॉजी का कंट्रोल करती हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट जो है सही तरीके से हो, क्योंकि एक्सपोर्ट कहीं जैसे मटेरियल कहीं से मंगा लिया किसी भी आतंकवादी संगठन ने, इक्विपमेंट कहीं से मंगा लिया, टेक्नोलॉजी किसी और देश से मंगा ली और अपने देश में लाके बना दिया न्यूक्लियर वेपन, है ना, तो इनको जो है रोका जाता है। अच्छा एनएसजी की पहली मीटिंग हुई थी नवंबर 1975 में लंदन में, इसलिए इसको कहते हैं लंदन क्लब। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लंदन क्लब इज एसोसिएटेड विद, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। 1975 लंदन क्लब पहली मीटिंग हुई थी उसे कहते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की पहली मीटिंग को लंदन क्लब 1975। कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये है नहीं इसलिए इसकी गाइडलाइंस बाइंडिंग भी है नहीं, ठीक है। और बाकी डिसीजंस लिए जाते हैं कंसेंसस के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब ठीक है सबने मिलकर एग्री कर लिया। मेंबरशिप 48 सप्लायर स्टेट्स हैं, 48। अच्छा इसके कुछ क्राइटेरिया भी होती हैं, जैसे कि अगर आपसे फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट ये कि कुछ आइटम्स जो कि एनएसजी के पार्ट्स वन और पार्ट टू में हैं वो सप्लाई किया जाना चाहिए उस कंट्री के द्वारा, और कुछ गाइडलाइंस होती है उनको मानना पड़ेगा, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा। प्रोलीफरेशन मतलब बढ़ावा, एकदम तेज़ी से बढ़ावा जो हो जाता है, तो न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल ना बढ़े इसके भी ऑब्लिगेशन रहने पड़ेंगे। हो सकता मान लो देखो जैसे यार मान लो कोई कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर नहीं हो टेक्नोलॉजी, तो वो क्या कर सकती है, जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसको भारी भरकम पैसा दे खरीद सकती है। तो एग्रीमेंट साइन करने पर ये हो जाता है कि ठीक है यार इन कंट्री के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और ये गलत हाथों में किसी को नहीं सौंपेंगे, और इंटरनेशनल अफोर्ट्स भी इनको लगाना पड़ेगा। ऐसी कुछ गाइडलाइंस होती हैं ताकि वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रुके, उनकी डिलीवरी रुके, तो एक गाइडलाइन जरूरी होती हैं तब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी मेंबरशिप इंडिया के लिए ज़रूरी क्यों है, इंडिया अभी तक इसका मेंबर है नहीं और ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को मिल जाएगी, एसेस हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियर इक्विपमेंट को आराम से अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ भाई इंडिया आराम से न्यूक्लियर इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है, टेक्नोलॉजी असेस कर सकता है, भाई अब तक था नहीं, इसके बाद अलाउ कर दिया जाएगा तो हमारी मेक इन इंडिया को भी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ को तो फिर वैसे फ़ायदा होगा। और एक चीज़ ये भी है कि हमको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर अपना जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी हम लेते हैं उसकी डिपेंडेंस हमको कम करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना है। अब जो हमारा टारगेट है और अगर हम चाहते हैं कि उस टारगेट को हम अचीव करें तो हमको न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब इंडिया को उसमें मेंबरशिप मिले। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का एक पार्ट हो जाते हो आप, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है न्यूक्लियर मैटर्स पे, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कई बेनिफिट्स हैं। तो इंडिया जो है खुद को पुश कर रहा है, एक पिच दे रहा है पूरी दुनिया में कि हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर जो है बनना है। एक सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी हम काफ़ी पिच देते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमारी मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप हमको मिले। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं। देखो नॉन अलाइन मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अटेंड की 18th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट बाकू जो कि अजरबैजान में हुई थी। अब अजरबैजान के बाकू में जो 18th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुई थी इसको अटेंड तो किया गया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वजह से ये न्यूज़ में रहा वो इसलिए रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट को स्किप कर दिया गया जबकि जाना उनको चाहिए था।
ऐसा है कि पहली बार नहीं हुआ, 2016 में भी पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी जिन्होंने स्किप कर दी। तो एक जो इशारा निकल के आ रहा है कि इसका मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो समिट है उसकी अब रिलेवेंस ही नहीं है, उसकी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अच्छा, थीम क्या थी? थीम याद रख लेना, अपहोल्डिंग द बंडुंग प्रिंसिपल्स टू इंश्योर कंसर्टेड एंड एडुकेट रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड। बडुंग क्या है? देखो, बात यह, बडुंग पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी ये चीज़ देखो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोल्ड वार में शुरू हुआ था, जिसमें कंट्रीज़ ने फैसला किया था हम किसी भी कंट्री की तरफ झुकेंगे नहीं, क्योंकि कोल्ड वार में दो सुपर पावर थी उस टाइम पे, या तो यूएसए की तरफ चल जाओ आप या सोवियत यूनियन की तरफ चल जाओ। तो इन कंट्री जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थी, इन्होंने सोचा कि हम किसी की तरफ भी नहीं झुकेंगे, और मतलब किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे, है ना। नॉन अलाइनमेंट का प्रोसेस इन्होंने अपनाया, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। न्यूट्रल शब्द आप कह सकते हो, पर न्यूट्रलिटी क्या होती है? न्यूट्रलिटी अलग चीज़ होगी। न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि अगर युद्ध भी चल रहा हो आपस में तो आप कुछ नहीं बोल रहे। न्यूट्रलिटी यहाँ पे शब्द जरूरी नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट है और नॉन अलाइंड है, ठीक है, अलाइन नहीं है किसी की तरफ। अच्छा, हिस्ट्री मैं बताऊँ आपको तो इसका ओरिजिन है 1955 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, बंडुंग में, 1955 बंडुंग इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब से इसका उदय हुआ। 10 प्रिंसिपल्स निकल के आए बंडुंग के, ये 10 प्रिंसिपल जो कि गाइडलाइंस बने, है ना। तो इसलिए इनको कहते हैं कि इसकी थीम जो थी वो इसी से रिलेटेड थी कि बंडुंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करेंगे हम। अच्छा, पहली कॉन्फ्रेंस इसकी कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1961 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना, 1961 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। और अभी कहाँ हुई है? 18th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट हुई है बाकू, जो कि अजरबैजान में है, पहली हुई थी बेलग्रेड में, जिसको कहते हैं बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961। इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया की लीडरशिप में। 2018 की मैं बात करूँ तो इसके 120 मेंबर्स हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 17 कंट्रीज़ हैं जो कि इसकी ऑब्जर्वर्स हैं। बाकी 120 मेंबर्स आपको याद रखना है। प्रिंसिपल्स क्या हैं? 5 प्रिंसिपल्स कहते हैं, पंचशील जिनको कहते हैं, तो पंचशील याद रखिएगा। प्रिंसिपल्स हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मिलिट्री इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये पांचों के पांचों आपको रटे हुए रहने चाहिए कि पंचशील में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रिलेवेंस, इसकी इम्पोर्टेंस खो गई या अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस खो गई, तो इसके अगर मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स दूँ तो देखो, नाम की इम्पोर्टेंस इसलिए भी गिर गई क्योंकि ये शुरू हुआ था कोल्ड वार के टाइम पे, तब जब दो पावर थी, या तो यूएसए की तरफ चल जाओ आप या सोवियत यूनियन की तरफ चल जाओ। आज का टाइम तब बाइपोलर वर्ल्ड था, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज चाइना अपने आप में एक पावर है, इंडिया अपने आप में पावर है, रशिया वापस कम बैक कर रहा है, यूएसए पावर है, जापान अपने आप में एक पावर है, है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अपने मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब उसकी ज़रूरत है ही नहीं। दूसरी बात, नाम में जो कुछ कंट्रीज थी, जैसे इंडिया ही लेके चलो, हम यूएसए के साथ ज़्यादा झुक रहे हैं और कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्यों? अलाइन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको कैपिटल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको डेवलप करना है ना, $5 trillion की इकोनॉमी बननी है, किसानों की इनकम डबल करनी है, तो हमको अलाइन होना ही पड़ेगा। तो इस वजह से नॉन अलाइनमेंट वाला जो मूवमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस गिर जाती है। और भी चीज़ होती है कि आज के जो प्रॉब्लम्स हम कोई सोल्व नहीं कर पा रहे, केवल ये टॉक शो बन के रह गई है, बातें कर लो, आ जाओ, फोटो खिंचलो बस, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशन से निकाल नहीं पाए, एडुकेट जो है सॉल्यूशन से निकाल नहीं पाए हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की। दूसरी बात, ब्रिक्स, SCO, G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो जो है इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे भी कम हो रही है, और कुछ मेंबर्स के बीच में भी यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हैं आपकी इतने रिलेशन अच्छे होते नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हो कि हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस गिर रही है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी है, तो उसके ऊपर आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी और फिलोसफी और आइडियोलॉजी ये थी कि हमारी जो है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी बनी रहे, और वो आज भी है और वो हमेशा रहेंगी।
तो इसका मतलब नाम की इम्पोर्टेंस तो है। दूसरी बात, हम ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है बहुत कुछ कॉमन है इनके बीच में, सिमिलर एक्सपीरियंस है, सब ने जो है कॉलोनियल वर्ल्ड झेला है, सबके ऊपर राज किया गया है। हो सकता है कि लोग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं यहाँ पे वो मिलके कोई सॉल्यूशंस निकालने का पोटेंशियल रखते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो है ना कम से कम, कि लीडर्स आके डिस्कस तो कर सकते हैं बायलेटरल रीजनल इंटरनेशनल कंसर्न, तो डिस्कसिंग करना, कॉमन वॉइस देना एक बहुत बड़ी बात है, और कुछ चैलेंजेस पे कलेक्टिव पोजिशन भी रह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इसकी इंपॉर्टेंस अभी बनी हुई है। अच्छा, आगे क्या कर सकते हैं? देखो, आज के टाइम पे कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जो करंट अरेंजमेंट्स निकल के आए हैं, नाम की इंपॉर्टेंस आज भी है, लेकिन इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग फोकस्ड एजेंडा चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नाम की इंपॉर्टेंस गिरती जाएगी। तो ऐसे मत सोचो कि कोई नाम जो है, मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो किसी की तरफ है, किसी के अगेंस्ट है। नहीं, इसके खुद के एक टॉपिक्स होने चाहिए, खुद की अटेंशन होनी चाहिए, कौन सी चैलेंजेस हमको सोल्व करनी है और वास्तव में रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन लाने चाहिए। काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आने चाहिए, डेमोक्रेटिक, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट और रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले से है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए ताकि ये बदलते टाइम के साथ खुद को समा सके। गाइज, ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।